हेलो चैम्स, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के साथ। तो चैम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, और ये बहुत ट्रिकी भी है। तो आइए समझते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए है और कॉस ए है। तो पहले आप देख रहे हैं ये दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो हम यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हमने एलसीएम ले लिया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इससे इस दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कॉस ए बचेगा। कॉस ए को हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए। जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही एलसीएम सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, कॉस ए से हम कॉस ए 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। ठीक है चैम्स, अभी एक्सप्रेशन में देखिए हमारे पास है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2 ab + b² के फॉर्मेट में। इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर आ जाता है कॉस ए प्लस ए हमारे पास 1 है, साइन है हमारे पास बी है, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 ए हमारे पास 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ए बी, एंड देन प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास ऊपर हमने तोड़ दिया इसको, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। चैम्स, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को दोबारा से रीअरेंज करने जा रहा हूं, तो देखे क्या होता है। तो मैं करने जा रहा हूं कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर को मैं आगे लेके आ रहा हूं, साइन स्क्वेयर ए। या आप साइन स्क्वेयर को पहले लिख सकते हैं, कॉस स्क्वेयर को बाद में लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं यहाँ पर। यहां पर हमारे पास प्लस 1 है, प्लस यहाँ पर हमारे पास 2, और साथ में साइन का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, 2 से हो गया, तो ये 2 sin a हमारे पास ऊपर बचता है, और नीचे हमारे पास बचता है cos a 1 प्लस साइन a। अब चैम्स, आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरन आइडेंटिटी आ गई है। तो हमारे पास आता है cos स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर होता है। तो इसको हम होल इक्वेशन को 1 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स इसको 1, तो बाहर हमारे पास 1 आ जाता है, यहाँ पर प्लस 2 sin a हमारे पास आ जाता है, और नीचे आता है हमारे पास cos a 1 प्लस sin a। चैम्स, अब हम ऊपर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 1 और 1 हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 2 sin a, और नीचे हमारे पास बचता है cos a 1 प्लस sin a। चलो फर्दर बढ़ने से पहले मैं जरा इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि सब हमारा मिंगल ना हो जाए। अब हमारे पास चैंस ऊपर बचा है 2 प्लस 2 sin a, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेने जा रहे हैं। तो अगर मैंने 2 यहाँ से कॉमन लगा दिया तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, 1 प्लस sin a, और नीचे क्या बचता है हमारे पास, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। चैम्स, अब आपको सीधा सीधा सम समझ आ गया, यहाँ पर साइन ए से 1 प्लस साइन ए दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो है 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 अपॉन कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आपको मैं बता दूं सेक किसके बराबर होता है, मैंने आपको बता चुका हूं 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय sec a यानी 2 sec a, जो हमारा राइट हैंड साइड आंसर आ जाता है। चैंस, आपने देखा ये सम बहुत ही ट्रिकी था, इसमें हमने काफी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज किया है, और वो सारी मैंने आपको सिखाई हुई हैं। अब जाकर उनको दोबारा से सीख सकते हैं अच्छी तरह से।
और एक और इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आपको मिलता हूँ, और जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।